दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आया है, मोमिनों मुबारक हो, रमज़ान आया है। बी न्यूज़ नेशन के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकद्दस महीना है, तो आज पांचवा रमज़ानुल मुबारक है। तो रोज़ेदार इफ्तार का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, रोज़ेदार इफ्तार की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए रमज़ान की रौनकें के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको तारीखी शहर बीजापुर के ख़ास मुकामात की सैर कराएंगे। तो सबसे पहले आज हम ठहरे हुए हैं तारीखी शहर तारीखी जामिया मस्जिद में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इफ्तार की तैयारियां रोज़ेदार किस तरह से इफ्तार की तैयारी में जुटा हुआ है। बस चंद ही लम्हों में इफ्तार का वक्त आ रहा है और रोज़ेदार हर कोई रोज़ेदार अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ये मंज़र हम आपको बताएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। इफ्तार का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, रोज़ेदार मस्जिद का रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं, नौजवान हैं, जो रोज़ेदारों की खिदमत के लिए पूरी इफ्तार की तैयारी के लिए, चाहे वो पानी हो, खजूर हो या फल हो, यानी जो भी चीज़ हो वो मुहैया कर रहे हैं। आइए, आपका नाम? मोहम्मद कैफ। ये पानी है, ये रोज़ेदारों के लिए आप खिदमत कर रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह खिदमत लगी है हमारी रोज़ेदारों के लिए, कि उनकी हर एक चीज़ को हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर एक तवज्जो को, उनकी हर एक वजूद को हम वजूद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह अल्लाह हमारे काम इसमें इस फिक्र में कामयाबी अता फरमाए। बस चंद ही लम्हों में इफ्तार का वक्त ख़त्म होगा और चंद ही लम्हों में इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और ये तारीखी जामिया मस्जिद पूरी रोज़ेदारों से पूरा सहन भर जाएगा। रोज़ेदार मस्जिद का रुख कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ेदार, मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सरज़मीन बीजापुर की जो मस्जिद है, जामिया मस्जिद, मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में ये एक ऐसी मस्जिद है जहाँ रोज़ेदारों का जो हुजूम होता है, जिस एहतमाम से, जिस ज़ौक़ व शौक़ से इस मस्जिद को आते हैं, और जे ये मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं, इनके अरबाब मजाज जो हैं, वो इस तरह का इंतज़ाम करते हैं रोज़ेदारों के लिए। ये सहूलतें मैं समझता हूँ दूसरी मस्जिदों में नहीं मिलता है। और दूसरी बात के माह रमज़ान का जो महीना है, ये अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए नेमत का महीना है। खुशनसीब होता है वो बंदा जो अल्लाह तबारक व ताला उसे वो नवाजता है, और उस महीने में खुशनसीब होता है वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पूरे ख्वाहिशात को सब्र का पैमाना डालकर, और जिस तरह से सब्र तहम्मुल से अल्लाह ने जिस तरह से रोज़ा रहने का हुक्म दिया है बंदे को, जब उस तरह से रोज़ा रहता है तो अल्लाह तबारक तआला ख़ुद कहता है कि उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। तो ऐसा नेमत वाला महीना हमें अता हुआ है। और जामिया मस्जिद के बाहर बीजापुर में किसी गली में, किसी
चौराहे पर ये मंज़र आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो बीजापुर की मस्जिद के अंदर भी वही माहौल है और मस्जिद के बाहर भी वही माहौल है। एक महीना इतनी पुरौनक ये जामिया मस्जिद के जो ये जो गली होती है, ऐसा लगता है कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की अज़मतें, अल्लाह की रहमत यहाँ पर नाजिल होती है। और रोज़ेदार जिस शौक़ ज़ौक़ से ख़रीदते हैं और जो यहाँ जो तिजारत होती है वो एक महीने में जितना कमाते हैं, वो मैं समझता हूँ दूसरे महीनों में उनको उतना फ़ायदा नहीं होता। सैयद अली मुल्ला हुसैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। जामिया मस्जिद में आज इफ्तारी के लिए आना हुआ हमें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस मोहल्ले में जामिया मस्जिद और जामिया मस्जिद के मोहल्ले में जो रमज़ान की रौनकें देखने में आती हैं, वो शायद अगर बीजापुर के रमज़ान को अगर देखना है तो बीजापुर जामिया मस्जिद में अगर आ जाएं तो उसकी पूरी रौनकें यहाँ पर भरपूर नज़र आती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मई के महीने में रमज़ान आने वाला है, ये सोचकर लोग थोड़ा सा उनके चेहरों पर एक अजीब से शिकन नज़र आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे रमज़ान का आज पाँचवा रोज़ा है, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत रोज़ेदारों पर ऐसी हुई है कि अब ये गर्मी भी जो है शायद शर्मा गई है रोज़ेदारों से, या गर्मी भी जो है वो शिकस्त खा गई है, ऐसा लग रहा है। अब रोज़ेदार बड़े अल्लाह की रहमत रोज़ेदारों पर हो रही है और बड़ी क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म, जब एक बंदा अल्लाह का हुक्म है जानकर रोज़े को जब कर रहा है तो उस पर उसके रहमत का नाजिल होना बेशक नज़र आ रहा है, उनके सबके चेहरों पर आ रहा है। बस यही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं प्रोफेसर यमे पीरा बीजापुर, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। सुना कि रमज़ानुल मुबारक का नियामतों वाला बरकतों वाला जो महीना है, तो यहाँ पर लोग थोड़ा डर गए थे कि इतनी तापमान 40 से 42 डिग्री का तापमान बीजापुर में जो था, तो रमज़ान से पहले लोग एक कश्मकश में थे कि इतनी शिद्दत की गर्मी से हम रोज़े की हालत में क्या होगा, लेकिन सूरज अपना खेल जितना भी खेले लेकिन मोमिन के दिल में वो असर नहीं कर पाया। तो आज बीजापुर की जामिया मस्जिद का जो मोहल्ला है, जो जहाँ पर मुस्लिम कसीर तादाद में मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ की रौनकें, यहाँ के जो मनाजिर हम आपको बताएंगे कि आज किस तरह से ख़रीद व फरोख्त के लिए इफ्तारी का साजो सामान के किस तरह ख़रीद व फरोख्त हो रहे हैं, हम आपको वहाँ पहुँचाएँगे। तो जामिया मस्जिद मोहल्ले में इस वक्त हम ठहरे हुए हैं और इफ्तार की तैयारी के लिए लोग जो है अपने मनपसंद की चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में जो अशद ज़रूरी है, जो पाइनएप्पल हो, कडिंगल हो, तो हर कोई ख़रीद रहा है और तमाम स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। हर वो चीज़ जो रोज़ेदारों की मन पसंदीदा चीज़ हो, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो या समोसे हो, हर वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है जो रोज़ेदार ख़रीद रहे हैं। कटंगड़ा 10, पाइनएप्पल 10, सारे कटंगड़े 50 रुपए के, 60 रुपए के। हमारी भी।
जैसे कि आप देख सकते हैं कल आता लेने आता लेने उसमें मेरा छोड़ता तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ख़ास ईद रमज़ान के लिए जब रोज़ों का वक्त रोज़ेदार रोज़े का महीना शुरू होता है तो उससे पहले ही यानी हैदराबादी बिस्किट जो मशहूर हैं तो हर तरह के बिस्किट्स यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि रोज़ेदार इसका फ़ायदा इस्तेफादा हासिल कर सके। यानी हर नमूने के बिस्किट हर कराची बिस्किट खासकर जो ख़ास रमज़ान के लिए यहाँ पर मंगाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी से साथ रोज़दारों की हम खिदमत कर रहे हैं। एक खिदमत नहीं बल्कि उनका एक दिल जीतने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को ठंडा पिला रहे हैं और बहुत मुस्तसली और सस्ते दाम में दे रहे हैं। एक गिलास दूध कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये में दे रहे हैं हम लोग रोज़दारों के लिए खास। इसके बाद भी कुछ भी नहीं, वही रेट रहेगा इंशाल्लाह। मैं मरे तक यही दाम देने की मेरी उम्मीद है। तो खासकर रोज़ेदारों के लिए कौन कौन से हमारे पास मिलेगा? मैंगो मिलेगा, अंजीर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, लस्सी मिलेगा, पाइनएप्पल जूस मिलेगा और ख़ास कर रोज़दारों के लिए दूध कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफ्तारी का वक्त है, इफ्तार हो चुकी है। मासूम बच्ची मासूम रोज़दार जो इफ्तारी कर रही है हमारे साथ। आपका नाम क्या है बेटे? नाम क्या है तुम्हारा? मिनाज। मिनाज कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? नावेल। नावेल में पढ़ते हैं। कितने रोजे हुए? फर्स्ट रोजा हुआ। अच्छा, तो ये मिनाज जो मासूम रोज़दार है जो पहला रोज़ा इन्होंने रखा है, अल्लाह करे इनका रोज़ा कबूल हो और तमाम इनकी जानिब से तमाम रोज़दारों का भी रोज़ा कबूल हो। शिफा रोज़ा थी। कितने रोज़े हुए? एक रोज़ा हुआ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आयशा सिद्दीका में पढ़ते हैं। अच्छा, रोज़ा छोड़े अभी? मुबारक हो रोज़ा, मुबारक। बी न्यूज़ नेशन के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनक में आज हम आपको बता रहे हैं कि बीजापुर के जामिया मस्जिद मोहल्ले के रमज़ानुल मुबारक की रौनकें कैसी थीं। तो इसी तरह आज इफ्तार भी हुआ और रमज़ानुल मुबारक के इस इफ्तारी की तैयारी को लेकर हमने पूरा जायज़ा आपको बताया। अब मगरिब का वक्त हुआ है और नमाज मगरिब चली हुई है।
एक ही सब में खड़े हुए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगले एपिसोड में शहर बीजापुर के और दूसरे मुकामात की भी हम आपको ख़ास रिपोर्ट बताते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। वेंटेज मोटर्स, ओपीपी सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, तरबीर रोड, बीजापुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783, 9731512793। ವೆಸ್ಪಾದಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ ತ್ರೀ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ ತ್ರೀ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।